नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े बॉलीवुड में डर का दूसरा नाम बन चुके हैं। आपको बताते हैं कि एनसीबी कैसे काम करती है, तो सुनिए। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने के लिए सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जो नशीले पदार्थों का मामला होने पर देश में कहीं भी जांच कर सकती है। इसकी स्थापना एनडीपीएस एक्ट पारित होने के अगले साल यानी 17 मार्च 1986 में हुई थी। नशीले पदार्थों के सेवन करने, इसे बनाने, खरीद बिक्री करने के खिलाफ देश में जो कानून है उसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कहते हैं। इसे शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है। एनडीपीएस एक्ट के तहत केंद्र सरकार प्रतिबंधित दवाओं की एक लिस्ट जारी करती है, जो समय समय पर राज्य सरकारों की सलाह पर अपडेट भी होती है। नारकोटिक ड्रग्स से मतलब है नींद लाने वाले ड्रग्स जो नेचुरल होते हैं या प्राकृतिक चीजों से बनते हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन वगैरह इसके तहत आते हैं। साइकोट्रोपिक यानी दिमाग पर असर डालने वाली ड्रग्स जो केमिकल बेस्ड होती हैं या फिर जिन्हें 2-3 तरह के केमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 के तहत जांच अधिकारी को बगैर किसी वारंट या अधिकार पत्र के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार है।